काम आएगी अभी। तो आज है रोहिन, रोहिन पर्व हम लोग का। तो उसको कैसे मनाते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं और मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। बस पता है कि ये साल में एक बार आता है और ये आता है बुआई से पहले, जब हम बाड़ी वगैरह या अपने बगान गार्डन बोते हैं उससे पहले रोहिन सेलिब्रेट करते हैं, लगाते हैं। तो ये आज का ऐसा दिन होता है और चलेगा हमारे बाड़ी में। रेडी हो चुके हैं हम, मैं भी, रूही भी, गंदा हो गया, सिंदूर लग गए हाथ। तो ना देखो हम दोनों रेडी हो चुके हैं। तो सुबह का टाइम है और दो दिनों से इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि आंगन में कोई निकल ही नहीं रहा था। तो पौधों में पूरे पानी भर चुके हैं, उसको निकाल लेते हैं। और ये हमारे प्यारे पौधे, और माँ ने पता नहीं अभी क्यों ये गेंदे के चारा डाल दिया है, गेंदे वाले को पता नहीं अभी ये टाइम है या नहीं है मैरीगोल्ड होने का, लेकिन बहुत सारे मैरीगोल्ड के निकल आए हैं। ये तो पूरा मैरीगोल्ड से भरा हुआ है, पता नहीं इतने सारे मैरीगोल्ड का प्लांट का मैं करूँगी क्या या माँ करेगी क्या, मुझे तो कुछ नहीं करना है, पता नहीं माँ क्या करेगी, शायद फेंक दे या क्या कुछ करे, अभी शायद हो या ना हो, कुछ है जो है लगा हुआ है। और ये हमारा अमर शंकर तेरा सर, ये पूरा भरा हुआ है अभी और कुछ है नहीं यहाँ पर आंगन में बस इतना ही है, बाकी सब है बाड़ी में। तो ज़्यादा कुछ माने बस आंगन में रखने नहीं दिया है बस। अगर आपको यहाँ के घर का फुल टूर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ट्राई करूँगी जरूर बनाने का, क्योंकि वो फुल ये वाला घर ज़्यादा दिन रहेगा नहीं क्योंकि ये सब पुराना घर है। तो मुझे भी इच्छा है मैं पुराने घर का वीडियो बनाऊँ ताकि वो याद के तौर पर रह जाए, देखते बनता है या नहीं बनता है, अगर बनेगा तो मैं कुछ जरूर शेयर करूँगी। और ये हमारी एलोवेरा, ये वाला तो लगभग पुराना होने गया है, ये टूटा सा आपको दिख रहा होगा, ये एक्स्ट्रा साफ सफाई के लिए रखा हुआ है, तो ये पुराना हो गया है, ये सूख रहा है किनारे से, लेकिन नीचे से नए वाले निकल आए, इतने नए हैं और भी नए हैं, यहाँ पर दो तीन और नए निकल आए हैं। तो वही है, जो पुराना जाएगा तब नया आएगा, सिस्टम तो वही कहता है। अगर नीचे से सड़ गया ये निकल रहा है, और नहाने के बाद ये मैं क्या कर रही हूँ, मिट्टी में उलट पुलट एक मार डांट लगाई थी, ये पुराने वाले निकल रहे हैं। तो ये बहुत मोटा हो गया है, और यहाँ से अगर आपको दिख रहे होगा तो नहीं निकले हैं, एक दो तीन, और ये तो बड़ा हो गया है चौथा वाला। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और एक होता है फ्रूट, आषाढ़ी फ्रूट, वो इतना छोटा साइज में होता है, इतना बड़ा नदी किनारे होता है, वो बेल में लगता है इस टाइप के, जैसे बेल या लौत कहते हैं इस टाइप के बेल, जैसे लोग क्या कहते हैं करेला वगैरह का होता है बेल, उस टाइप का होता है उसका भी, और उसमें लगता है छोटा छोटा फ्रूट होता है वो ग्रीन कलर का, और वो बहुत ज़्यादा तीखा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो वो आज के दिन खाया जाता है और जरूरी माना जाता है। और जो खाते हैं उसके भी कुछ फायदे हैं, तो हम चुनते हैं पहले, और माँ ये मिलाइए वही मिलाइए बहुत ही टेस्टी है। तो
माँ से पूछते हैं आज क्या दिन, रोहिन क्या है, क्यों स्पेशल माना जाता है और किस लिए है, किस लिए हम पूजा पाठ करते हैं। सूखा बैंगन खाते हैं कि कच्चा बैंगन नहीं? कच्चा बैंगन खाए, सूखा बैंगन खाते हैं जो दोपहर अच्छी। और एक स्पेशल है आइटम आज के लिए, वो खाया जाता है तो थोड़ी देर बाद में मिलेगा। इसको नीचे करो, इसको नीचे करो। तो माँ से पूछते हैं रोहिन दिन क्यों मनाया जाता है, तो माँ हमें पहले एक बार बता चुकी है, तो फिर से पूछते हैं। माँ जोर से बोलना, बोलो रोहिन पूजा क्यों बोल रही है। आज रोहिन की सवाल बहुत बेची से कहा जाता है माँ मनसा का पूजा, पूजा नहीं उनका फास्टर जो माँ बताई, तो वही आज के दिन से। आज के दिन से माँ मनसा का दिन स्टार्ट माना जाता है। आप जनरली देख सक पाएंगे क्योंकि अभी इसके बाद से बरसात शुरू हो जाएगी। निकलते हैं इतने दिनों से जो नहीं निकलते हैं, तो वही पूजा पाठ किया जाता है। और आज का दिन एक बहुत सिंपल होता है आज के दिन, और आज के दिन वो खेती बाड़ी जो करते हैं चाषी लोग, उनके लिए भी एक बहुत जरूरी दिन है आज के दिन। के बाद बीज बाड़ करते हैं, वही बीज लगाते हैं, आज के दिन का इंतजार करते हैं कि इसके बाद हल चलाया जाएगा बाड़ियों में और बीज लगाया जाएगा। छोटे बाड़ी है, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे हैं, तो उसमें जितना होता है माँ पापा लगाते हैं करते हैं। तो और ये जामुन है बस थोड़े से दूर, बहुत थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा दूर है, तो पक्के गिरी में छत पे यहाँ पर बहुत सारे जामुन है। और बच्चे खेल रहे हैं, नुपुर भी आई है साथ। अगर आप नुपुर को पहचानते तो वो मेरे पिछले एक ब्लॉग में थी, तो कौन सा था कॉम्पिटिशन नदी किनारे वाला, तो कुछ जामुन तोड़ते इंजॉय करते हैं हम भी, उसके बाद चलेंगे घर। ओ हाँ, अभी टाइम हो रहा है इवनिंग, अभी इवनिंग के शाम के 5 बज रहे हैं, तो ये शाम के 5 बजे कुछ ऐसा है मेरा गांव मायके का। और ये सूरज देवता नीचे जा रहे हैं, सामने तालाब है बहुत बड़ा, ये सामने अगर आपको दिख रहा है तालाब, ये तालाब है सामने, बहुत पुराना तालाब है, बचपन में जाया करते थे अपने जाते हैं। और यहाँ सनसेट हो रहा है तो बस सब इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं। और नुपुर कुछ कहना है, हाय कर दो। हाय, ये नुपुर है।
अरे गिरे नहीं गिरे एक वहां पर है वहां पर नुपुर नुपुर उठाओ अरे नहीं उठा कच्चे दूध के साथ खाना है रूई खाओगी तो ये क्या अथाड़ी मतलब इसको आज खाना है वो अभी शाम हो रही है तो रूई पढ़ने से भाग के उठ के आई है तो अभी पढ़ेंगे और रात को उसको सोने से पहले खाना खाने के बाद दूध के साथ कच्चे दूध के साथ खाएंगे तो वो ज़्यादा होता है उनसे जितना हम फॉलो कर पाते करते और जितना नहीं होता वो नहीं करते हैं क्योंकि हर चीज फॉलो करना मुमकिन नहीं हो पाता अभी के समय में आज के वीडियो को खत्म करते हैं।